नमस्कार दिस एन के यादव द डायरेक्टर ऑफ यशोदा पब्लिक स्कूल पकड़ी बाजार डियर स्टूडेंट्स ये आर्टिकल का थर्ड वीडियो है पहले वीडियो में हमने जाना कि आर्टिकल होते क्या हैं कितने प्रकार के होते हैं और उनका पोजिशन क्या होता है यानी कि किसी सेंटेंस में आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाता है नाउन से पहले एक्जेक्टिव से पहले या फिर एडवॉस से पहले सेकेंड वीडियो में हमने सीखा कि आर्टिकल ए और एन यानि इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये थर्ड वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि डेफिनिट आर्टिकल इट मीन्स द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है सो लेट मी स्टार्ट तो पहला रूल है सिंगलर काउंटेबल नाउन से पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए द का प्रयोग किया जाता है फॉर एग्जाम्पल द काओ गिप्स मिल्क इट मीन्स ऑल काउज गिव मिल्क गाय दूध देती है इसका मतलब हुआ कि सारी गायें दुनिया की सारी गायें दूध देती हैं सिमिलरली द डॉग इज़ फैथफुल कुत्ता वफादार होता है इट मीन्स ऑल डॉग्स यानी दुनिया के सारे कुत्ते वफ़ादार होते हैं दूसरा रूल है प्लुरल काउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग तब होता है जब उससे किसी खास निश्चित या पूर्व परिचित व्यक्ति वस्तु अथवा जानवरों का बोध हो यानी कि प्ल काउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं होता लेकिन जब किसी खास निश्चित या पूर्व परिचित व्यक्ति वस्तु या जानवरों का बोध कराना हो तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है जैसे द बॉयज़ ऑफ दिस स्कूल आर इंटेलिजेंट इट मीन्स इस स्कूल के बच्चे तेज हैं कहने का अर्थ है कि जो भी इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो खास हैं निश्चित हैं यानी कुछ ही बच्चों की बात हो रही है दुनिया के सारे बच्चों की बात नहीं हो रही है नेक्स्ट है काइंडली रिटर्न द बुक इसका मतलब है कि बुक के बारे में सुनने वाला और बोलने वाला दोनों पहले से जानते हैं यानी पूर्व परिचित है इसलिए यहाँ द का प्रयोग हुआ तीसरा रूल है अनकाउंटेबल नाउन यानी मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग तब किया जाता है जब वह खास निश्चित या पूर्व परिचित हो यानी अनकाउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता और ना ही प्रॉपर नाउन से पहले किया जाता है केवल तभी किया जा सकता है जब वह खास हो निश्चित हो या पूर्व परिचित हो फॉर एग्ज़ाम्पल द वाटर ऑफ दिस वेल इज़ वेरी कोल्ड इस कुआ का पानी काफ़ी बहुत ठंडा है द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज़ प्रिजवर्ती कश्मीर की सुंदरता प्रशंसनीय है द राम ऑफ द रामायण इज़ एन आइडियल मैन रामायण के राम एक आदर्श व्यक्ति थे आदर्श व्यक्ति हैं आई हैव टू पे फॉर द मिल्क मुझे दूध के पैसे देने हैं इसमें आपने जो भी आर्टिकल का प्रयोग देखा जैसे वाटर से पहले द का प्रयोग हुआ है जो कि वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है ब्यूटी एक अनकाउंटेबल नाउन है राम प्रॉपर नाउन है मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है इनसे पहले द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि कुछ निश्चित कुछ खास पानी की बात हुई है दुनिया की सारी पानी की नहीं केवल कश्मीर की सुंदरता की बात हुई है दुनिया की सुंदरता की नहीं केवल रामायण के राम की बात हुई है दुनिया के प्रत्येक राम की नहीं मतलब दुनिया में बहुत सारे राम नाम के लड़के होंगे लेकिन ये खास हैं है, है ना वैसे ही आ, दूध जो है जिससे आप बोल रहे हैं कि आई हैव टू पे फॉर द मिल्क वो भी जानता है कि हाँ दूध आया है तो उसके पैसे देने हैं और आप भी जानते हैं इसलिए यहाँ द का प्रयोग किया गया है नेक्स्ट रूल है पर्वत श्रेणी या श्रृंखलाबद्ध पहाड़ के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है जैसे द हिमालय द विंध्यास परंतु चोटी या पहाड़ जो एक बचन में रहते हैं उनके नाम के पहले द नहीं लगाया जाता जैसे एवरेस्ट चोटी है माउंट अबू स्नोडाउन इसके बाद द्वीप समूहों के नाम से पहले द लगता है फॉर एग्ज़ाम्पल द वेस्ट इंडीज़ द अंडमान्स परंतु जो द्वीप एक बचन में रहते हैं उनके नामों के पहले द नहीं लगता जैसे सिलोन सिसली सुमात्रा जावा एटसेट्रा नदी खाड़ी सागर महासागर जंगल मरुभूमि के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है फॉर एग्जाम्पल द गंगा द बे ऑफ बंगाल द इंडियन ओशन द ब्लैक फॉरेस्ट द सहारा एटसेट्रा नेक्स्ट है आकाशिया पिंड दिशा या जो दुनिया में केवल एक हो उनके नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल सन द ईस्ट द वर्ल्ड एट्सेट्रा बड़े ग्रंथों के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है फॉर एग्जाम्पल द रामायण द बाइबल द पैराडाइज लॉस्ट एट्सेट्रा न्यूज़पेपर के नामों के पहले द लगता है जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स द टाइम्स ऑफ इंडिया एट्सट्रा दसवाँ हैं हिस्टोरिकल प्लेसिस या बिल्डिंग्स के नामों के पहले द लगता है जैसे द ताजमहल द रेड फोर्ट द गोल घर आफ्टर डेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नामों के पहले द लगता है फॉर एक्ज़ाम्पल दाबला द गिटार द वायलिन द हारमोनियम एट्सेट्रा डेट्स ऑफ द मंथ के पहले द का प्रयोग किया जाता है परंतु डेज मंथ्स के नामों के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता हालांकि महीने के डेट के पहले द का प्रयोग किया जाता है तब जब उसे अंकों में लिखा जाए यानी ऐसे लिखा जाए फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसा लिखा जाए तभी हम वहाँ द का प्रयोग करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल द फर्स्ट ऑफ मार्च द फिफ्टीन ऑफ ऑगस्ट एट्सट्रा आविष्कारो इन्वेंसन्स के नामों के पहले द का प्रयोग किया गया है किया जाता है जैसे हु इन्वेंटेड द रेडियो टेलीविजन वायरलेस टेलीफोन इन सब के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाएगा ही इज़ लिसनिंग टू द रेडियो यानी वह रेडियो सुन रहा है यहाँ रेडियो से पहले द का प्रयोग आपने देखा यानी जिसके जिसके भी आविष्कार हुए हैं उनके नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट है धार्मिक समुदाय राजनीतिक दल नागरिकता या राष्ट्रीयता सूचित करने वाले शब्दों के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है एग्जाम्पल द हिंदूस द मुस्लिम्स ये धार्मिक समुदाय है द कांग्रेस राजनीतिक दल है द जनता दल द इंडियंस नागरिकता या राष्ट्रीयता सूचित कर रहा है द अफ्रीकन्स एटसेट्रा आफ्टर डेट हवाई जहाज या समुद्री जहाज या रेलगाड़ी के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल मेघदूत द मेघदूत द विक्रांत द तूफान एक्सप्रेस मेघदूत हवाई जहाज का नाम है विक्रांत समुद्री जहाज का नाम है और तूफान एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम है वैसे किसी भी रेलगाड़ी के नाम के पहले द लगेगा या किसी भी जहाज के नाम हवाई जहाज़ या समुद्री जहाज के नाम के पहले द लगेगा ही लगेगा इसके बाद है देशों के नामों के पहले द का प्रयोग नहीं होता परंतु इन देशों के नाम के पहले द अवश्य लगता है जैसे द यू एस यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द यू एस एस आर द यू के यानी यूनाइटेड किंगडम द सूडान द नदरलैंड द सोवियत यूनियन इन्हें आप याद कर लें क्योंकि यही चार पांच ऐसे देश हैं जिनके नाम के पहले द लगता है उसके बाद किसी नाम से पहले किंगडम रिपब्लिक या फेडरेशन आदि रहे तो द का प्रयोग करते हैं जैसे द किंगडम ऑफ मैसेडोन मैसेडोनिया जो देश है उसे द किंगडम ऑफ मैसेडोन कहते हैं उसके पहले द का प्रयोग होता है वैसे ही द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका के नाम के पहले रिपब्लिक है इसलिए द का प्रयोग किया जाता है आफ्टर डैट यदि प्रॉपर नाउन का प्रॉपर नाउन को कोई एड्जेक्टिव क्वालिफाई करे तो एग्जेक्टिव से पहले द लगेगा जैसे द ब्यूटीफुल सीता सीता प्रॉपर नाउन है और उसको एग्जेक्टिव ब्यूटीफुल क्वालिफाई कर रहा है इसलिए द का प्रयोग ब्यूटीफुल से पहले हुआ सिमिलरली द लेट इमोर्टल तुलसी यहां भी तुलसी नाउन है इमोर्टल एक्जेक्टिव से लेट इमोर्टल और द का प्रयोग इससे पहले हुआ है उसके बाद प्रॉपर नाउन के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन के पहले द लगता है यदि काउंटेबल नाउन से पेशा व्यवसाय आदि का बोध हो जैसे राम द क्लर्क यहाँ राम काउंट प्रॉपर नाउन है और क्लर्क काउंटेबल नाउन, नाउन है सो किसी सेंटेंस में ऐसा हो राम द क्लर्क इज कमिंग है ना राम जो क्लर्क है वो आ रहा है तो यहाँ हम क्लर्क से पहले द का प्रयोग करेंगे यानी किसी भी प्रॉपर नाउन के बाद अगर कोई ऐसा काउंटेबल नाउन आए जिससे किसी पेशा या व्यवसाय का बोध हो व्यवसाय का बोध हो तो उससे पहले हम द लगाते हैं जैसे लता द सिंगर फॉर एग्जाम्पल सी मैरिड सचिन तेंदुलकर द क्रिकेटर उसने सचिन तेंदुलकर से शादी किया जो कि एक क्रिकेटर है, है ना उसके बाद नेक्स्ट यूज है कमिटी क्लब फाउंडेशन के नामों के पहले द लगता है जैसे द लायंस क्लब द फोर्ड फो, फाउंडेशन द यूनाइटेड नेशंस इन सब के पहले द का प्रयोग होता है आफ्टर डैट साम्राज्य इट मीन्स एम्पायर वंशज प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं के नामों के पहले द लगता है फॉर एग्ज़ाम्पल द रोमन एम्पायर द मीन्स डाइनेसटी द सिविल वॉर बट वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड वॉर थ्री के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता ये आप याद रखें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या आर्म्ड फोर्सेस के नामों के पहले द लगता है जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया द जुडिशरी द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आर्म्ड फोर्सेस में द आर्मी द नेवी द एयरफोर्स एक्सेट्रा इन सब के पहले द का प्रयोग होता है फिजिकल पोजीशन के पहले द का प्रयोग किया जाता है जैसे द बॉटम द बॉटम मतलब नीचे द टॉप मतलब ऊपर द बैक मतलब पीछे द सेंटर मतलब बीच में इन सब के पहले द का प्रयोग किया जाता है पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पहले द लगता है फॉर एग्जाम्पल हीट मी ऑन द हेड उसने मेरे सिर पे मारा तो हेड पार्ट्स ऑफ बॉडी है इसलिए उससे पहले द का प्रयोग किया गया ही पुल्ड द कैट बाई द टेल उसने बिल्ली का पूछ पूछ से खींचा बिल्ली को पूछ से खींचा पूछ बिल्ली का पार्ट्स ऑफ बॉडी है इसलिए टेल से पहले द का प्रयोग किया गया ऑर्डिनल नंबर्स के पहले द लगता है शायद मैंने इस चीज़ को आपको डेट्स के भी नाम डेट से डेट से भी पहले द लगाया जाता है उसमें भी बताया कि अगर ऐसा हो फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो आप उससे पहले द लगाएंगे अगर डेट ऐसा होगा कि मार्च वन उसके बाद ईयर हो पहले यानी पहले महीने का नाम हो उसके बाद डेट हो उसके बाद ईयर हो तो द का प्रयोग नहीं किया जाता सिमिलरली अगर ऑर्डिनल नंबर शब्दों में लिखे हों यानी पहला दूसरा तीसरा तो द का प्रयोग ज़रूर होगा पदों के नामों के पहले द लगता है फॉर एग्ज़ाम्पल द हेड मास्टर द प्रिंसिपल द डायरेक्टर अपने अक्सर सुना होगा मैं जब भी बोलता हूँ सबसे पहले ये जरूर बोलता हूँ आई एम द डायरेक्टर ऑफ यशोदा पब्लिक स्कूल द क्या है पद है सॉरी डायरेक्टर क्या है पद है और डायरेक्टर से पहले द आता है नेक्स्ट यूज है जब एक्जेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में होता है तब उससे पहले द का प्रयोग करते हैं फॉर एग्जाम्पल द पुअर आर ऑनेस्ट यानी गरीब लोग ईमानदार होते हैं यानी यहाँ पुअर जो है एजेक्टिव है और उसे नाउन के रूप में प्रयोग करने के लिए उससे पहले द लिखा जाता है सिमिलरली द डीफ कांट हियर बहरे सुन नहीं सकते यहाँ भी डीफ एजेक्टिव है और द लगाकर इसे नाउन का रूप दिया गया है नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन रहे तो प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं जैसे द टी ऑफ असम इज फेमस आई लाइक द स्वीट्स ऑफ यानी असम का चाय की चाय फेमस है प्रसिद्ध है मैं गया की मिठाइयाँ पसंद करता हूँ यहाँ आपने देखा कि पहले नाउन प्लस प्रिपोजिशन फिर नाउन है तो पहले वाले नाउन से पहले द का प्रयोग किया गया यानी टी से पहले द का और स्वीट से पहले द का चाहे ये सिंगलर हो या प्लूरल हो उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है फॉर एग्जाम्पल ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास वह मेरे क्लास का सबसे अच्छा छात्र है लास्ट यूज है मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ़ नॉन ऑफ एनी ऑफ इच ऑफ नाइदर ऑफ़ आईदर ऑफ हाफ ऑफ अ पार्ट ऑफ वन ऑफ फाइव ऑफ वन थर्ड ऑफ द मेजोरिटी ऑफ एट्सेट्रा के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द वॉय हैव कम न ऑफ द स्टूडेंट हैज बीन अवॉर्डेड यानी एक छात्र को अवार्ड अवार्ड uh, दिया गया और बहुत सारे छात्र आ चुके हैं सो डियर स्टूडेंट्स इट सोल्व फॉर टूडे आप कॉमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और इसके बाद आर्टिकल का एक वीडियो होगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे आर्टिकल का और इसके बाद कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए आप कमेंट करके ज़रूर लिखें अगर आपको पसंद आती है हमारी वीडियो तो उसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय एन के यादव को ज्वाइन कर सकते हैं सो so, Thank you. Thanks for watching.